हेलो एवरीवन, आज मैं नया TLM लेके आई हूँ जिसका नाम है प्लेस वैल्यू हाउस। ये TLM मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाया है जो काउंटिंग सीख जाते हैं, गिनती सीख जाते हैं, उसके बाद वंस, टेंस और हंड्रेड जो प्लेस है उन्हें कैसे, इसका कॉन्सेप्ट उन्हें कैसे समझाया जाए, इसके लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। इसमें हम पहले वंस और टेंस प्लेस के बारे में उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। इसमें मैंने ये प्लेस वैल्यू हाउस बनाया है जिसमें तीन रूम्स हैं, ये वंस का, ये टेंस का और हंड्रेड का। हमें पता है कि ज़ीरो से लेके नाइन तक वन डिजिट नंबर होते हैं, उसके बाद टेन से लेके 99 तक हमारे टू डिजिट नंबर होते हैं। तो हमारे इस प्लेस वैल्यू हाउस का ये रूल है कि पहले रूम में, वंस के रूम में सिर्फ वन डिजिट नंबर ही आ सकते हैं। वन, टू, थ्री, इसमें सिर्फ ज़ीरो से लेके नाइन तक ही नंबर आ सकते हैं। जैसे ही हम इसमें टेन डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टू डिजिट नंबर है, ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम ये पूरा पाइल जो है, हमारा ग्रुप बना है टेन नंबर्स का, इसे टेंस वाले रूम में डाल देंगे। इस तरह से, और अब जो पूरे टेन नंबर्स हैं वो टेंस वाले रूम में आ गए हैं और वंस का रूम जो है बिल्कुल खाली है। ठीक है, इसे हम स्टिक्स के फॉर्म में भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। वंस में ये स्टिक्स हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। जब हम इन्हें सबको ग्रुप कर देंगे तो ये टेन का एक ग्रुप बन जाएगा और ये टेंस प्लेस में आ जाएगा। इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो टेंस बन जाएंगे, वन टेंस बन जाएंगे। ठीक है, जब हम इसमें एक ऐड करेंगे तो ये टेन प्लस वन इलेवन बन जाएगा। इसमें हम दो ऐड करेंगे तो ये टेन प्लस टू ट्वेल्व बन जाएगा। थ्री ऐड करेंगे तो टेन प्लस थ्री थर्टीन बन जाएगा। फोर ऐड करेंगे तो टेन प्लस फोर फोर्टीन, फाइव तो 15 और 6 ऐड करेंगे तो 10 प्लस 6 16। इसी तरह से हमारे नंबर्स बनेंगे। अब जब ये हम एक और हमने ग्रुप ऐड किया 10 10 का तो ये 20 बन गया। इस तरह से ये 30 40, इसी तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट होगा। अब हम देखते हैं, हम यहाँ से एक नंबर लेते हैं। सपोज सिर्फ हमने 0 और 10 लिया, 65 नंबर लिया। ठीक है, तो 65 के लिए हम पहले 6 टेंस के ग्रुप, 6 टेंस लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने 6 टेंस लिया और 5 वंस लिया, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हम इसे दूसरे तरीके से भी देखेंगे। हमने इसके लिए 6 टेंस लिए, 1, 2, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सिक्स टेंस लिए हमने और फाइव वंस लिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ये हो गए सिक्स टेंस, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और फाइव वंस, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। नंबर बन गया 65। उसी तरह से अब हम 100 के प्लेस में देखेंगे तो 3 है, तो यहाँ से हम 300 लेंगे, 1, 2, 3। तो ये बन गया 300, 6 टेंस और 5 वंस, 365। अब हम इस नंबर को यहाँ रखेंगे, वंस की प्लेस पे हमने 5 रखा, 6 टेंस की प्लेस पे हमने 6 रखा और 100 की प्लेस पे हमने 3 रखा। ये बन गया 365। अब हम प्लेस वैल्यू के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये 5 है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 5 ही होगी। ये 6 है, इसके बाद एक नंबर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 6060 होगी। प्लेस वैल्यू को हम स्थानीय मान भी कहते हैं। ठीक है, अब 3 है, इसके आगे दो डिजिट हैं, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी
300, 300, 300। और ये हमारा एबेकस है, इससे भी हम नंबर्स को, ये बच्चों को नंबर काउंटिंग में हेल्प करता है और इससे भी हम प्लेस वैल्यू भी सिखा सकते हैं। देखिए वंस प्लेस पे हमारा 5 था तो 1, 2, 3, 4, 5, टेंस प्लेस पे 6 था 1, 2, 3, 4, 5, 6, और वंस प्लेस पे हमारा 3 था तो 1, 2, 3। 3 की प्लेस वैल्यू है यहाँ पर 300, 6 की प्लेस वैल्यू है 60 और 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी।